वर्तमान नगर आयुक्त के द्वारा शहर कैसे साफ रहे इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह को शहर की सफाई का कमान सौंपा गया है। इसका इन्होंने आज विधिवत उद्घाटन किया। फीता काटकर सफाई की कमान अब महिलाओं के हाथ में। इससे पूर्व बिहार शरीफ में किया गया था। दरभंगा नगर निगम दूसरा नगर निगम है पूरे प्रदेश में जो यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सफाई की कमान महिलाओं के हाथ में। दरभंगा नगर निगम के अधीन स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके द्वारा शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रह करने का कार्य सौंपा गया है। प्रथम चरण में वार्ड नंबर 10 में 4 ठेला जिसमें 8 महिलाएं हैं, वार्ड नंबर 20 में 3 ठेला जिसमें 6 महिलाएं हैं, वहीं वार्ड नंबर 21 में 4 ठेला जिसमें 8 महिलाएं कार्यरत हैं। वे महिलाएं डोर टू डोर कचरा संग्रह करेगी। वहीं दैनिक सफाई कर्मी के बराबर इन्हें मानदेय दिया जाएगा। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दरभंगा नगर निगम परिसर से नगर आयुक्त कुमार गौरव ने फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उपनगर आयुक्त नगर प्रबंधक एवं विभाग से जुड़े कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसका परिणाम सकारात्मक होता है। इसी के उद्देश्य से नगर आयुक्त के द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया है। पहले चरण में 3 वार्डों को दिया गया है। अगर यह सफल रहा तो पूरे शहर में सफाई की कमान यही स्वयं सहायता समूह के हाथों में सौंपा जाएगा। डोर टू डोर कचरा का संग्रह करेंगी एवं लोगों को जागरूक भी करेगी। इस योजना के संबंध में नगर आयुक्त ने दी पूरी जानकारी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। रोज यही समय में आता है, यह समय में रोज। महिलाओं के हाथ सफाई का कमान का क्या उद्देश्य है? आज दरभंगा नगर निगम में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा घर घर कचरा कार्यक्रम के तहत सभी को ट्रेनिंग किया गया था पूर्व में, और इनके द्वारा अभी वार्ड नंबर 20, 21 एवं वार्ड नंबर 10 की महिलाओं के द्वारा घर घर जाके कचरा कलेक्ट किया जाएगा। और बहुत जगह ये देखा गया है कि महिलाओं के द्वारा अगर ये कार्य किया जाता है तो वहाँ पर सफाई की जो व्यवस्था होती है काफ़ी अच्छी होती है। हमारा भी ये उद्देश्य है कि दरभंगा नगर निगम में भी सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, इसलिए अभी हम लोग फिलहाल 3 वार्ड में स्टार्ट कराए हैं, आगे इसको और इसके लगते हैं। ये मुख्य रूप से क्या काम करेगी या इनको एवज में क्या मिलेगा? इनको मुख्य रूप से इनका मेन काम ये रहेगा कि घर घर जाएंगे और हाउस टू हाउस जो कचरा कलेक्शन करना है